सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है भारत के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तो इस देश के युवा रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो कहाँ जाए? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने में लगे हुए हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते में लेके जाएगा। जो अलायंस को बढ़ती पसंद भी मिल रही है, पॉलिटिकल पार्टी मिल रही है, आम जनता से सहयोग मिल रहा है, एक अच्छे से ये सारा अलायंस आगे जा रहा है, लेकिन बीजेपी की बौखलाहट वैसी बढ़ती जा रही है, इसके आप क्या कहेंगे? वो साफ साफ जाहिर है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग सामने आ जाएंगे और उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो गुंडागर्दी है, उनकी जो लफंगई है पूरे देश के अंदर, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चैलेंज करने का एक वो बन सकता है, जरिया बन सकता है। इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट सामने आ रही है। थैंक यू।